हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री के 15 नंबर चैप्टर जैव अणु के महत्वपूर्ण विवेय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं 56 विवेय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पहले से पूछेंगे दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन विवेय हैं दोस्तों 2021 के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना दोस्तों, कमेंट करके बतलाना 56 में से पहले सबको कितने आंसर पाता थे। ठीक है दोस्तों, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। साथ में प्ले लिस्ट भी बनाए थे दोस्तों, 1 से लेकर 14 चैप्टर तक दोस्तों मैंने केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट भी बना दिया, वहां से भी अध्ययन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है ग्लूकोज है। ग्लूकोज दोस्तों क्या है? ट्राई हो जाए कि टेट्रीज है दोस्तों, कि पेंटोज है, कि हेक्सोज है। तो दोस्तों देखिए, 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज है दोस्तों, वो हेक्सोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ग्लूकोज क्या है दोस्तों? तो हेक्सोज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ग्लूकोज क्या है? तो मेरा हेक्सोज हो जाएंगे दोस्तों। इससे पहले का दोस्तों चैप्टर भी देख लीजिएगा। चल दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हो कौन सी दोस्तों विटामिन की कमी से जो थौंधी होती है दोस्तों, क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए दोस्तों, BSU 16 कंपार्टमेंटल और 17 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो कौन सी दोस्तों जो विटामिन है उसकी कमी दोस्तों मेरी थौंधी होती है, अंधापन होती है, किस कमी, किस विटामिन की कमी? चलिए ऑप्शन में दिया विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया विटामिन सी, ऑप्शन सी में दिया दोस्तों विटामिन सी, ऑप्शन में दोस्तों विटामिन डी। दोस्तों पहले तो बात करें और विटामिन ए की, तो विटामिन ए से दोस्तों थौंधी होती है, दृष्टिहीनता, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों विटामिन बी से पूछेगा तो आप क्या करेंगे? तो विटामिन बी से पूछेगा दोस्तों तो बेरी बेरी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी, और विटामिन ए स्कॉर्बी, और दोस्तों विटामिन सी, सॉरी विटामिन ए से दोस्तों दृष्टिहीनता, यानी कि थौंधी। ऑप्शन बी में दोस्तों क्या हो जाएंगे? बेरी बेरी। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों स्कॉर्बी, यानी कि विटामिन सी से क्या होता है? स्कॉर्बी होता है। ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया विटामिन डी, जिससे दोस्तों रिकेट्स होता है, जिससे रिकेट कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये चारों दोस्तों जो है, जो दोस्तों इन सभी के कारण दोस्तों अगर शरीर में आपूर्ति नहीं होगी तो दोस्तों हमें इस तरह के रोग हो सकते हैं। विटामिन ए से क्या? तो यहाँ दोस्तों विटामिन ए से यहाँ पर दृष्टिहीनता, यानी कि रथौंधी। ऑप्शन बी में दोस्तों विटामिन बी से दृष्टिहीनता, ठीक है दोस्तों। विटामिन बी से क्या? बेरी बेरी। ऑप्शन सी से दोस्तों अस्कॉर्बी, ठीक है। ऑप्शन डी से दोस्तों यानी कि रिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, विटामिन ए से यहाँ पर दोस्तों थाउंडी होता है, तो ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में शुगर में से सबसे मीठा कौन है? कौन है दोस्तों शुगर में सबसे मीठा है? ऑप्शन में दिया ग्लूकोज, ऑप्शन बी में दिया गया लैक्टोज, ऑप्शन सी में दिया सुक्रोज, ऑप्शन में दोस्तों फ्रुक्टोज। सभी लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिएगा। क्या दोस्तों? चैट में आंसर दीजिए सभी लोग। तो ध्यान रखना दोस्तों, निम्नांकित में जो है दोस्तों जो शुगर में सबसे मीठा, शुगर में दोस्तों जो सबसे मीठा होता है वो सुक्रोज होता है, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, सुक्रोज हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सुक्रोज है दोस्तों जो शुगर में सबसे मीठा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चल दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कहा है? एंजाइम है। एंजाइम दोस्तों क्या है? प्रोटीन है। क्या दोस्तों? प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है दोस्तों। इस बार के भी लगता है दोस्तों एग्जाम पूछा गया है, देखना क्वेश्चन उठा करके। तो एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे, एंजाइम एक प्रोटीन है। चल दोस्तों, फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल बतला सकते हो कोरोना काल में दोस्तों, यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है? तो दोस्तों किसी को कोरोना हो जाता है दोस्तों, बुखार को कम करने के लिए दवा दी जाती है, वो दोस्तों कौन सी दवा है? कोई भी बुखार हो दोस्तों, किसी प्रकार का बुखार हो, वो दोस्तों बुखार को कम करती है। चलिए ऑप्शन में दिया एनाल्जेसिक, ऑप्शन में दिया एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी में दोस्तों दिया एंटीपायरेटिक, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया ट्रैकविलाइजर। तो बतला सकते हो दोस्तों, फाइव नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ध्यान रखना दोस्तों, एंटीपायरेटिक होती है, ठीक है दोस्तों। एंटीपायरेटिक है जो दोस्तों दवा दोस्तों है बुखार को कम करती है, ये दोस्तों कोरोना काल में मरीजों को भी दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, जो दोस्तों जो बुखार को कम करते हैं वो एंटीपायरेटिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना सारे क्वेश्चन को याद करते जाएगा। चलिए ग्लिसरॉल है दोस्तों, ग्लिसरॉल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, कि सेकेंडरी अल्कोहल है, कि टर्शियरी अल्कोहल है, कि ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ग्लिसरॉल है दोस्तों वो ट्राई अल्कोहल है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों देंगे। ये 10 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए ग्लूकोज में काइरल कार्बन की संख्या होती है, ग्लूकोज में काइरल
की संख्या दोस्तों कितनी होती है, ग्लूकोज में होता है वो कार्यल कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन में दिया गया चार, ऑप्शन डी में दिया पांच, ऑप्शन सी में दिया है तीन, ऑप्शन डी में ए में डी में दिया गया है एक। तो दोस्तों ग्लूकोज में कार्यल कार्यल कार्बन की दोस्तों संख्या होती है वो चार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, क्या हो गया ऑप्शन नंबर हो जाएंगे चार। चलिए फलों की शर्करा कहलाती है, फलों की शर्करा कहलाती है क्या कहलाती है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मनोज, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया है गैलेक्सोज। तो बता सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फलों की शर्करा जो दोस्तों कहलाती है वो फ्रुक्टोज कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, फलों की शर्करा फ्रुक्टोज कहलाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है, कौन सा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसैकेराइड का श्रेणी है, ठीक है दोस्तों कौन सा, तो पॉलीसैकेराइड बता सकते हो। नाइन नंबर क्वेश्चन का क्या होंगे दोस्तों राइट आंसर, तो ध्यान रखना स्टार्च हो जाएंगे, क्या होंगे दोस्तों स्टार्च हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो बनेंगे, यहाँ पर स्टार्च मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पॉलीसैकेराइड का एक श्रेणी का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन नंबर कहता है दोस्तों सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है, सुक्रोज दोस्तों किसका उदाहरण पेश करता है, सुक्रोज है वो दोस्तों किसका उदाहरण पेश कर रहा है, तो दोस्तों सुक्रोज है जो सुक्रोज है मेरा दोस्तों वो क्या किसका दोस्तों उदाहरण पेश करता है, सब लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बतलाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। दस नंबर क्वेश्चन का सब लोग कमेंट करके बतलाएगा दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, सही दोस्तों जवाब दीजिएगा, ठीक है तो सब लोग देना जवाब। चलिए विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी, देखिए दोस्तों विटामिन की खोज कर रहा है विटामिन की, तो फ्रैंक ने किया था, ठीक है विटामिन की खोज किसने किया था, फ्रैंक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा क्या जो हो जाएंगे, क्या होंगे फ्रैंक हो जाएंगे, विटामिन की खोज किसने किया था, तो फ्रैंक ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बारह नंबर क्वेश्चन का, विटामिन सी का, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है, चलिए ऑप्शन में दिया नींबू तथा संतरा, ऑप्शन में दिया केला तथा अनानास, ऑप्शन सी में दिया सेब तथा पपीता, ऑप्शन डी में दिया धान और गेहूं। तो दोस्तों विटामिन सी है वो नींबू और संतरा का उदाहरण है, विटामिन सी दोस्तों किसका मुख्य स्रोत है, तो नींबू और संतरा का है, यानी कि खट्टे चीजों का। राइट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब, आंवला भी रहेगा दोस्तों तो आंवला को भी टिक करना है। चलिए दोस्तों तेरह नंबर क्वेश्चन का, डीएनए की खोज की थी दोस्तों, डीएनए की खोज किसने किया था, डीएनए की खोज किसने किया था, चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी में दोस्तों विलियम फ्लेमिंग ने, तो ऑप्शन डी में देख सकते दोस्तों ऑप्शन डी में दिया विलियमसन, तो बता सकते हो दोस्तों क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ध्यान रखना डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो है किसने, तो वाटसन ने दोस्तों डीएनए का खोज किया था। चलिए दोस्तों चौदह नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोप्रोटीन मिलती है, हीमोप्रोटीन मिलती है दूध में रक्त में कि भाषा में कि फलों में, तो हीमोप्रोटीन दोस्तों जो होती है वो मिलती है कहाँ पर मिलती है, तो ध्यान रखना रक्त में मिलती है, हीमोप्रोटीन कहाँ मिलती है तो रक्त में मिलती है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, हीमोप्रोटीन कहाँ मिलती है तो रक्त में मिलती है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे क्या, तो रक्त में मिलती है ध्यान रखेंगे। चले फिफ्टीन नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि एमिनो एसिड्स की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है, एमिन एड एसिड्स का दोस्तों श्रेणी का सबसे छोटा प्रथम सदस्य का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे सदस्य का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा राइट आंसर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ग्लाइसिन हो जाएंगे एमिनो एसिडेस, ठीक है दोस्तों एमिनो जो एसिड होता है दोस्तों उसकी श्रेणी का सबसे छोटा प्रथम सदस्य का भाव होता है दोस्तों वो ग्लाइसिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन ध्यान से याद करते जाएगा, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से ज्वाइन हो जाना। चलिए इस वीडियो को देख लीजिए, चलिए श्रीनुमा संरचना पाए जाते हैं डीएनए में पाए जाते हैं कि आरएनए में कि प्रोटीन में कि कार्बोहाइड्रेट में, तो श्रीनुमा संरचना कहाँ पाई जाती है, श्रीनुमा संरचना दोस्तों जो होती है वो डीएनए में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, श्रीनुमा संरचना कहाँ पाई जाती है तो डीएनए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चल दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन का है कि फॉस्फेट बांध मिलता है, फॉस्फेट बांध होता है दोस्तों वो मिलता है कहाँ पर मिलता है, फॉस्फेट बांध है दोस्तों मिलता है तो कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ध्यान रखना नाभिकीय अम्लों में मिलता है, क्या फॉस्फेट बांध होता है दोस्तों नाभिकीय अम्लों में मिलता है, ना इसका ऑप्शन होगा ना ही ऑप्शन है ना ही ऑप्शन सी राइट आंसर, दोस्तों ध्यान रखना नाभिकीय अम्लों में क्या मिलता है तो फॉस्फेट बांध मिलता है, इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। साथ में प्ले लिस्ट में भी जाकर के अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर वाइज
यहाँ पर दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो वहाँ से भी अध्ययन कर, साथ में ग्रामर सेक्शन का भी बना दिया दोस्तों हिंदी का, हिंदी का दोस्तों 13 चैप्टर का बना दिया, प्लीज जाकर वहाँ से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। संदेश, संदेश वाहक होते हैं कौन है दोस्तों, कौन सा दोस्तों है यहाँ पर संदेश वाहक है कौन है, तो संदेश वाहक होता है तो दोस्तों एम और एन है दोस्तों, तो संदेश वाहक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो है, संदेश वाहक होते हैं। चल दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के अंत में, भाषा के अंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है, भाषा के अंत में, भाषा के अंत में अवशोषित होने वाले विटामिन कौन सी है। चलिए ऑप्शन में दिया विटामिन ए और डी, ऑप्शन बी में दिया विटामिन ए और बी, ऑप्शन सी में विटामिन ए और सी, और ऑप्शन डी में दिया गया विटामिन बी और डी। तो बता सकते हो दोस्तों क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो भाषा के साथ आंत में दोस्तों अवशोषित होने वाले विटामिन कौन सी है, तो विटामिन ए और डी दोनों है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, विटामिन ए और डी है दोस्तों, भाषा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कराए कि उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है, उदासीन, उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण दोस्तों कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया ग्लाइसिन, ऑप्शन बी में दिया गया एस्पार्टिक अम्ल, ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन डी में दोस्तों देख सकते हो हिस्टिडिन अम्ल दिया गया दोस्तों। तो बता सकते हो दोस्तों उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो उदासीन, उदासीन अम्ल का दोस्तों उदाहरण था वो ग्लाइसिन होता है, क्या होता है ग्लाइसिन है दोस्तों, तो उदासीन अमीनो अम्ल का उदाहरण है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, उदासीन अम्ल का उदाहरण है तो ग्लाइसिन ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चले दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कराया कि क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण दोस्तों कौन सा, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है तो क्या हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन में दिया सीरीन, ऑप्शन बी में दोस्तों दिया सिस्टीन, ऑप्शन डी में, सी में दोस्तों दिया गया हिस्टेडिन, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया बैलिन। तो ध्यान रखें दोस्तों क्षारीय अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल का जो उदाहरण है वो दोस्तों हिस्टेडिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हिस्टेडिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों क्षारीय अम्ल का उदाहरण है। चलिए 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद है, प्रोटीन के विघटन का दोस्तों अंतिम उत्पाद कौन सा है, अंतिम उत्पाद कौन सा। चलिए ऑप्शन में दिया पेप्टाइड, ऑप्शन बी में दिया अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी में दिया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया है भाषा। तो प्रोटीन का, प्रोटीन का विघटन का अंतिम उत्पाद पूछा है, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद जो होता है दोस्तों वो अमीनो अम्ल होता है, क्या होता है अमीनो अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद हमारा अमीनो अम्ल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है कि फ्रुक्टोज होता है कि मैनोज होता है कि दोस्तों सुक्रोज होता है। तो स्टार्च अथवा ग्लूकोज के, सेल्यूलोज के जल अपघटन से दोस्तों जो प्राप्त होता है वो ग्लूकोज प्राप्त होता है, स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से जो प्राप्त होता है दोस्तों वो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। सब लोग चैट में आंसर देते रहिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है। चलिए 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहेंगे अमीनो अम्ल दोस्तों अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण कौन सा है। चलिए ऑप्शन में दिया है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी में दिया बाइलिन, ऑप्शन सी में दिया सीरिन, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया एस्पार्टिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है एस्पार्टिक एसिड हो जाएंगे दोस्तों अम्लीय, यहाँ पर अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण क्या होंगे एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। सब लोग दोस्तों चैट में आंसर देते रहिएगा। चलिए 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का है क्षारीय अमीनो एसिड का उदाहरण है, क्षारीय एमिनो एसिड का दोस्तों उदाहरण कौन सा है, बता सकते हो, चार ऑप्शन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना दोस्तों जो क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है वो दोस्तों हिस्टिडिन हो जाएंगे दोस्तों, पहले भी इसका आंसर करा चुका था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन करा क्या करा दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का दोस्तों जो पावर हाउस कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको क्लास 10th और 11th में दोस्तों पढ़ेंगे, 10th और दोस्तों 9th में भी कोशिका का पावर हाउस दोस्तों होता है माइक्रोकोंडिया होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों पकड़ेंगे यहाँ पर कुछ और रहेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे माइटोक्रोम्स हो जाएंगे, यानी माइटोकोंडिया भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए मनुष्य के अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम है,
मनुष्य की अग्नाशय से दोस्तों कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बतला सकते हो सब लोग चैट में इसका आंसर। तो ध्यान रखना, इंसुलिन स्रावित होता है। क्या होता है? मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है वो इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे, इंसुलिन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का रहा है। क्या कह रहा है कि मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम है, मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? चलिए ऑप्शन में दिया टाइलिन, ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में दोस्तों दिया है एमाइल ऑप्शन, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया है एस्टीएपसिन। तो बतला सकते हो दोस्तों मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th में भी है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन एग्जाम क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त का दोस्तों जो लाल होने का कारण है वो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों हमारा रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रक्त का लाल रंग दोस्तों किसके कारण दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का है कि दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण है, दूध में दोस्तों मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन में दिया केसिन, ऑप्शन बी में दिया है एल्बुमिन, ऑप्शन सी में दोस्तों दिया है ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी में दोस्तों देख सकते हो क्या देगा, हीमोप्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो बतला सकते हो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो दूध में मिलने वाला प्रोटीन का उदाहरण दोस्तों वो केसिन है। क्या हो जाएंगे? केसिन है दोस्तों, तो दूध में मिलने वाला प्रोटीन का उदाहरण है। यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, जवाब हो जाएंगे केसिन है, जो दोस्तों दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का था कि निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों दिया टाइलिन द्वारा, के लाइपेज द्वारा, के जाइमेज द्वारा, कि पेप्टाइडेस द्वारा। तो दोस्तों बतला सकते हो सारे लोग चैट में आंसर दीजिए। क्या दोस्तों? सारे लोग चैट में आंसर दीजिएगा। तो ध्यान रखा दोस्तों, पेप्टाइडेस के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है? पेप्टाइडेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सारा क्वेश्चन को याद करते जाइए दोस्तों। अगर याद नहीं होता दोस्तों तो एक बार और वीडियो को देख लेते, ताकि दोस्तों आपको कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस सैनिक के उपचयन में स्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? क्या कह रहा है? उपापचयन दोस्तों। ठीक है, तो स्वाधिक ऊर्जा मुक्त होता है किसमें? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, भाषा में, लिपिड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यह लिपिड में ऐसा खर्च होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ये क्वेश्चन दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल कितना प्रतिशत होता है? कितना परसेंट जो होता है दोस्तों रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है? तो दोस्तों यहाँ क्लास 11th में भी था, सॉरी 9th में भी था, 55% दोस्तों यहाँ पर जो होता है दोस्तों प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लाज्मा 55% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की परीक्षण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का दोस्तों परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बतला सकते हो दोस्तों पॉलिस परीक्षण द्वारा, के बायोरिएटिक परीक्षण द्वारा दोस्तों, बतला सकते हो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों पॉलिस परीक्षण के द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सारा क्वेश्चन दोस्तों देखते जाएंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करा है कि अमीनो अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको शब्दों व्याख्या नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये इतना क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमीनो अम्ल क्रियात्मक समूह जो होता है वो कौन होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अमीनो अम्ल जो क्रियात्मक समूह होता है वो NH2, ठीक है दोस्तों, NH2 और दोस्तों COOH दोनों होता है, NH2 और COOH दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2, ये दोनों दोस्तों है दोस्तों, अमीनो अम्ल क्रियात्मक समूह होता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ए और बी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के साथ अवशोषित विटामिन है दोस्तों, इसका आंसर शुरुआती में ही बतला दिया था। ठीक है, तो ए और डी हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों, ए और डी है जो अवशोषित विटामिन है दोस्तों भाषा के साथ आंत में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अमीनो अम्ल कीरेल है,
कौन सा एमिनो अम्ल है दोस्तों, वो किरेल है क्या, तो किरेल है। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए ऑप्शन में दिया एलालिन, ऑप्शन में बाइलिन, ऑप्शन में प्रोलिन, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका सब लोग दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जैव अणु जाल में अभिलेय है, कौन सा दोस्तों जाल अणु जो जाल में अभिलेय है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो दोस्तों देखिए कह रहा है कौन सा जैव अणु जाल में अभिलेय है, जाल में अभिलेय है कौन सा अणु है दोस्तों, बता सकते हो सब लोग चैट में आंसर दीजिएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों अल्फा, अल्फा क्रिएटिन होता है, जो दोस्तों अणु होते हुए जैव अणु होते हुए जाल में अभिलेय है, कौन है जाल में अभिलेय, अल्फा क्रिएटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल क्या जो दोस्तों अल्फा क्रिएटिन। चलो 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है, कौन सा दोस्तों प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाता है। चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, बतला सकते हो जो रक्त का थक्का जो जमाता है दोस्तों वो कौन जमाता है, तो कौन है दोस्तों प्रोटीन जो रक्त का थम्मा रक्त का थक्का जमाता है। सब लोग चैट में आंसर दीजिए, तो फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन जो होता है दोस्तों वो रक्त प्रोटीन होता है दोस्तों जो रक्त की थक्का को जमा देता है, रक्त की थक्का को दोस्तों जमा देता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों फिब्रिनोजन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन है जो प्रोटीन नहीं है, कौन है दोस्तों जो प्रोटीन नहीं है। तो हम पहले बात करें दोस्तों प्रोटीन की, तो कौन है दोस्तों प्रोटीन नहीं है बोल रहा है, तो यार दोस्तों आम लोग प्रोटीन हो जाएंगे, नाखून हो जाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों डीएनए जो प्रोटीन नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो है, प्रोटीन नहीं है तो डीएनए। चलिए 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन सा दोस्तों है, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता, कौन है दोस्तों जो ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। चार ऑप्शन दोस्तों दिया गया, सब लोग चार्ट में से दीजिए, तो ध्यान रखना गैलेक्टोस होता है, गैलेक्टोस जो दोस्तों ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अमीनो अम्ल बनाते हैं, अमीनो अम्ल दोस्तों क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल है वो दोस्तों बनाते हैं क्या बनाते हैं, तो दोस्तों अमीनो अम्ल होता है वो प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, अमीनो अम्ल दोस्तों होता है वो प्रोटीन बनाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, अमीनो अम्ल बनाता है तो प्रोटीन। चल दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैव पराक्रम में एंजाइम होते हैं, जैव पराक्रम में दोस्तों एंजाइम होते हैं ऊर्जा देने वाले कि रोग प्रतिरोधक के लिए, ऑक्सीजन का संवहन के लिए, कि जैव उत्प्रेरक, तो जैव पराक्रम में एंजाइम होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, तो ध्यान रखना जैव उत्प्रेरक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव प्राक्रम एंजाइम होते हैं, जैव उत्प्रेरक ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट होता है, कौन सा शर्करा दोस्तों जो अधिक स्वादिष्ट होता है, तो फ्रुक्टोज दोस्तों अधिक स्वादिष्ट होता है, ठीक है दोस्तों सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो 45 नंबर क्वेश्चन का, निम्न से कौन सा दोस्तों संक्रमण धातु रखता है, कौन सा दोस्तों है जो संक्रमण धातु रखता है। चलिए ऑप्शन है बी और सी, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी12, ऑप्शन में दोस्तों डीएनए, तो बी और दोस्तों सी है, विटामिन बी और सी है वो दोस्तों संक्रमण धातु रखता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब में से एक है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लिक एसिड में क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार में दो अबंध जगह होती है दोस्तों, क्या होती है तो बतला सकते हो दोस्तों क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ग्वाइन हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड में क्षार में दो बंद जगह होती है दोस्तों ग्वाइन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ग्वाइन, ठीक है दोस्तों ग्वानिन है दोस्तों, ठीक है ग्वानिन ध्यान रखना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सा क्षार दोस्तों आरएनए में होता है डीएनए में नहीं, कौन सा क्षार, ये दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो याद रखना, ठीक है कौन सा दोस्तों आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं, बता सकते हो दोस्तों आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यूरेसिल, तो दोस्तों यूरेसिल, अगर दोस्तों क्षार आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में आया दोस्तों पूछेगा डीएनए में होता है तो थायमिन, डीएनए में थायमिन, आरएनए में यूरेसिल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो होगा दोस्तों, ठीक है सारा क्वेश्चन दोस्तों देखते जाएगा दोस्तों बारीकी से, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों बता सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ग्लूकोज दोस्तों होता है सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक है सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कोशिका भित्ति मुक्त पानी होती है, कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो मुक्त पानी होती है, किससे पानी होती है, चार ऑप्शन दोस्तों दिया गया बता सब लोग चैट में आंसर दीजिएगा,
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फॉस्फो फॉस्फोलिपिड हो जाएंगे, फॉस्फोलिपिड हो जाएंगे दोस्तों। कोश का भित्ति जो बनी होती है दोस्तों वो फॉस्फो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चले 50 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रोटीन संश्लेषण में क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड अवंध अवंध में भाग लेता है दोस्तों, ठीक है, तो थायोल लेता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपका केमिस्ट्री का दोस्तों हो गया सेवन चैप्टर दोस्तों, इस चैप्टर के बाद एक और लास्ट चैप्टर दोस्तों और फिजिक्स का हो गया दोस्तों, हिंदी का भी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों वीवीआई मॉडल सेट है दोस्तों, तो आपसे लोग तैयार रहना दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप एग्जाम की तैयारी दोस्तों आप जबरदस्त तरीके से हो रही है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों में कराम होता है, न्यूक्लिक अम्ल में कराम होता है दोस्तों, बता सकते हो कॉमन कराम आंसर क्या हो जाएंगे। न्यूक्लिक अम्लों में दोस्तों जो कराम होता है ठहरा के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, न्यूक्लिक अम्लों में जो कराम होता है भाष में शुगर फॉस्फेट का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का, ग्लूकोज है ग्लूकोज एक है तो क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज दोस्तों एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है तो मोनोसैकेराइड, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ग्लूकोज क्या है तो एक मोनोसैकेराइड है। चलिए 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का, कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांकित नहीं किया जा सकता कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांकित नहीं किया जा सकता क्या जलांकित नहीं किया जा सकता कहलाता है दोस्तों, बता सकते हो क्या राइट आंसर है तो मोनोसैकेराइड कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांकित नहीं किया जा सकता क्या जलांकित नहीं किया जा सकता है मोनोसैकेराइड कहलाता है, राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का, कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करते उसे कहा जाता है, ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन भी कह सकते हो, ठीक है, तो बता सकते हो 54 का राइट आंसर क्या होंगे तो ओलिगोसैकेराइड में से होता है, क्या जो दोस्तों ओलिगोसैकेराइड होता है दोस्तों जो इससे जो सो कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करते हैं, तो 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, 2 से भी जाएगा दोस्तों तो भी ओलिगोसैकेराइड कहलाए, राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सुक्रोज का सूत्र दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए 19 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सुक्रोज का सूत्र दोस्तों क्या होता है, सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो C12H2O11 होता है, ठीक है, C12H2O11 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, C12H2O11 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग बदल देगा दोस्तों, अमोनिया जो होता है वो ऑर्ड लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, अमोनिया दोस्तों किस रंग में बदल देगा तो नीला रंग में बदल देता है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर है बिल्कुल कैच हो जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कर दे दोस्तों, और दोस्तों आपको दोस्तों आप दोस्तों मोडल सेट भाई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों फिजिक्स का भी, ठीक है, तो दोस्तों हिंदी का चैनल रहा तो दोस्तों आप फिजिक्स का भी आएगा दोस्तों, आपको दोस्तों टेंशन नहीं लेना, बस इस चैनल से जुड़े रहना है, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर के अध्ययन कीजिए, वहाँ दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट का दोस्तों बना दिया, ठीक है, तो वहाँ से भी अध्ययन कर लीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जो बताइएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।